सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला। क्या पिता अगर कोई संपत्ति बेचना चाहता है तो क्या पिता जो है अपने पुत्र से पूछ पूछ कर वो संपत्ति बेचेगा? एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट पर गया ये केस। मामला क्या है आज इस वीडियो में जानिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आप सुन के नए नए जजमेंट लेके आते रहता हूं और हमेशा आज जो जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जजमेंट के माध्यम से जो पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में नए कानूनी बदलाव होता है उसके बारे में पता चलता है। जजमेंट से पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है और उसका कानूनी उपचार क्या है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। उसके बाद जो जजेस जो होते हैं वो न्याय देते हैं। जो न्याय जो होता है वो हमारे आम दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए आप सबों को जजमेंट जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूँ जो भी एडवोकेट होते हैं उसे जजमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो एक आम नागरिक हो, क्योंकि ये जो मामला जुड़ा होता है आम लोगों जनमानस से जुड़ा होता है। तो आज मैं हमेशा की तरह आज आप लोग जजमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर लाइट चल रहा है, लाइट दिख रहा होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिखा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो मामला जो है, ये मामला जो है 54 ईयर्स फाइल किया गया था और जो भी पिटिशनर है और डिफेंडेंट है यहाँ पर वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। सोचिए केस जो है 54 साल का है और जजमेंट आता है अभी, ठीक है, 2023 में ऐसा। तो जजमेंट जो आया है, अब ये जजमेंट जो है ये आम लोगों पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है, जैसे कि ये क्वेश्चन उठा क्वेश्चन कि क्या जो है पिता अब कोई भी संपत्ति बेचता है, पिता कोई संपत्ति बेचता है तो क्या उसे पुत्र को पूछ के बेचना पड़ेगा, एक सवाल है ऐसा, क्योंकि पुत्र का भी अधिकार होता है पिता के संपत्ति पर ऐसा। तो कब ऐसा कानून में क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, जाएगा नहीं, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट है इसीलिए कह रहा हूं, ओके। देखिए डिसमिसिंग जो है, इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा, ठीक है, और 54 ईयर्स का एक केस है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि देखिए द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली होता है कौन, हमारे हेड जो होते हैं फैमिली, हमारे पिता होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली सेल, ठीक है ना, एंशियंटल प्रॉपर्टी, इसका मतलब पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो हमें मिला है अपने परदादा से, जो मिलते हैं जो उसके संपत्ति है उसकी बात कर, पैतृक संपत्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द हेड ऑफ द फैमिली सेल एसेंशियल प्रॉपर्टी, में पैतृक संपत्ति को क्या कर सकता है, बेच सकता है टू पे फैमिली डेब्ट्स और लीगल नीड्स। किसके लिए, मतलब अगर कोई भी फैमिली का कोई भी कर्जा है, कर्जा के लिए और लीगल नीड्स के, कानूनी आवश्यकता के लिए क्या वो बेच सकता है। और ये जो है और सन और अदर्स जो है, अदर्स पार्टनर जो है क्या कर सकते हैं, कांट चैलेंज इन द कोर्ट। तो ये अगर हेड ऑफ द फैमिली जो है किस चीज पर, अगर फैमिली के जो कर्ज है उसको उतारने के लिए और लीगल नीड्स, कानूनी लीगल नीड्स के लिए क्या कर सकता है, वो बेच सकता है कोई भी संपत्ति को। इसमें कोई भी पुत्र जो होता है या कोई अदर होता है, चाहे पुत्र चाहे पुत्री होता है, ठीक है, वो चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में। अब देखिए ये तो मैं आप बता रहा हूँ, तो आगे कोर्ट ने क्या कहा, आगे जो हमारे जो चीफ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जो है, द सुप्रीम कोर्ट सेड वंस इट इज प्रूव दैट, ठीक है ना, अगर ये बात प्रूफ रहता है, वंस इट्स प्रूफ दैट द फादर हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फॉर द, ठीक है, लीगल नीड्स, लीगल नीड्स। अगर मान लीजिए ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि जो भी फादर है वो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बेच देते हैं क्योंकि उसके फैमिली का जो कर्ज है उस पर पूरा कानूनी कोई प्रोसीडिंग चल रहा है जो कि उस पर खर्चा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बेच सकते हैं, इस बात को इसने ऑब्जर्व किया। और इसमें कोई भी जिसका पुत्र है चाहे कोई पार्टनर है वो चैलेंज नहीं कर सकता है। आप समझना, जाना कहीं नहीं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये जो है केस फाइल किया गया था 1964, तब तो मैं पैदा भी नहीं लिया था, आप लोग पैदा लिए थे कि हमको नहीं पता 1964 का केस है। तो बेंच जो है, जो
सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है एम एन स्पेयर एंड एस के कोल, ठीक ना, नोटेड दैट, ठीक है, ये बात नोट की, क्या नोट किए यहाँ पर जो आर्टिकल 254 बात करता है, 254 ऑफ द हिंदू लॉ, ठीक ना, हिंदू लॉ प्रोवाइड्स, हमारा हिंदू लॉ क्या बोलता है कि फोर्स सेव फॉर प्रॉपर्टी बाय फादर, तो ये हमारा आर्टिकल 54 जो है 254 बात करता है कि सेल फॉर प्रॉपर्टी, मतलब पिता जो है प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या बोलता है आगे, उसके बाद आर्टिकल जो है 254 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड दैट कर्ता, कर्ता मतलब कौन होगा, हेड ऑफ द फैमिली, यही है कर्ता, ठीक है, कर्ता कॉल सेल कैंसेल, यहाँ पे कैन होगा, ठीक ना, कैन, ठीक ना, कैन सेल मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, वह ही कैन सेल द शेयर ऑफ सन एंड ग्रैंड सन टू पे द डेट ऑफ, बट इट दिस डेट शुड बी ऑल्सो एनसीडल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कर्ता जो है हमारा हेड ऑफ द फैमिली, वो क्या कर सकता है, बेच सकता है प्रॉपर्टी को, साथ ही वो प्रॉपर्टी को बेचेगा कौन सा प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी हो गया, कार हो गया, ओके, उसके बाद जैसे हमारा बोर्ड हो गया, ये भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको बेच सकता है। उसके बाद इमूवेबल जैसे हमारा घर हो गया, लैंड हो गया, वो इमूवेबल में आता है, ओके, तो इसे स्थिति में क्या कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन इसके अब हम बताते हैं आप सबों को कि अगर प्रॉपर्टी जो है इसका मोटिव है, अगर पिता जो संपत्ति जो बेच रहा है, ओके, तो वहां पे पुत्र का परमिशन की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने के लिए इस कोर्ट में ये बोल रहा है पुत्र का परमिशन नहीं है। आप समझिए कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो भी संपत्ति को बेचा जा रहा है, पैतृक संपत्ति को, वो क्या होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका जो काउज होना है, क्या क्या काउज, कब कब बेच सकता है, वो रीजनेबल कौन सा ग्राउंड है, तो आपको मैं भी हम अभी 6 ऐसा ग्राउंड बताएंगे जहां पर पिता जो है संपत्ति को बेच सकता है। कब बेचेगा, बिना पुत्र के संपत्ति, चाहे पुत्र का शेयर ही क्यों ना हो उसमें, पुत्र पिता जान रहे ये बात सत्य है कि पुत्र का शेयर होता है उसमें, उसका राइट्स होता है प्रॉपर्टी पर, लेकिन ऑल्दो फिर भी वो बेच सकता है। पिता कब कब संपत्ति को बेच सकता है, ध्यान से सुनना, जब बात हो जाएगा कि अगर कोई भी होता है फैमिली में जो होता है कर्ज में होता है, तब वो बेच सकता है। पहला पॉइंट जो होता है वो क्या है, ऐसा वो पैतृक संपत्ति को बेच सकता है कि जब कोई कर्ज में होता है, जिसको रिपे करना होगा, ठीक है, उसको मतलब कर्ज में है तो उसको देना है पैसा ऐसा, तब वो बेच सकता है कर्ज में है तो। उसके बाद गवर्नमेंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, गवर्नमेंट लाइबिलिटी जब है उसमें तब बेच सकता है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली, फैमिली को मेंटेनेंस करने के लिए, मान लीजिए खाने पीने के लिए नहीं घर में हो रहा पैसा, ठीक है, आप कोई अनेबल है कमाने खाने के लिए, उसके पास जमीनी है, तो क्या कर सकता है, वो अपने जो प्रॉपर्टी है पैतृक संपत्ति उसी को बेच के अपना गुजारा चलाएगा, तो वो मेंटेनेंस के लिए बेच सकता है अपने पैतृक संपत्ति को। और शादी करने के लिए, अपने बच्चे का शादी हो गया, चाहे बेटी का चाहे बेटा का शादी करना हो गया, तब हो गया, उसके बाद हो सकता है। उसके बाद कोई फंक्शन हो रहा है, कोई समारोह का आयोजन करना है, तो उसके लिए बड़ा पैसा लगता है, तो वो शादी कर सकता है। अगर अंतिम संस्कार जो होता है उसमें वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। उसके बाद जो हो गया, उसके बाद जो है कोई भी कानूनी लिटिगेशन पर बेच सकता है कि कॉस्ट ऑफ ऑनगोइंग लिटिगेशन, कोई भी ऐसा कानून प्रोसीडिंग चल रहा है जिसमें कानूनी केस लड़ने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वो बेच सकता है। कौन, पिता बेच सकता है, हेड ऑफ द फैमिली, इसको याद रखिएगा, हेड ऑफ द फैमिली बेच सकता है। उसके बाद जो है कि एक सबसे बड़ा ऐसा जो है डिफेंस इन सीरियस क्राइम केस अगेंस्ट द हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली जो है, जो कर्ता जो है, जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली जो है उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस चल रहा है, वो सीरियस नेचर का केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो बेच सकता है क्या संपत्ति को। तो ये 6 ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं यहां पर, मैं लिख दिया हूं, ओके, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए ऐसा। तो ऐसे स्थिति में बेच सकता
है, ओके ना, संपत्ति को। तो आप बताइए, अगर इसके अलावे कभी भी इसके अलावे अगर कोई भी संपत्ति को बेचा जाता है तो यह होगा इलीगल होगा। अगर संपत्ति को अपने प्रॉफिट के लिए इलीगल वर्क से बेचा जाता है तो ऐसे में पिता जो है नहीं बेच सकता है, ऐसे में हेड ऑफ द फैमिली जो है वो नहीं बेच सकता है। तो ये रहा इस केस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि पिता जो है अपने संपत्ति को बेच सकता है। तो लास्टली हम लोग आते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूड करते हैं और आपको हम बताते हैं। आप समझिए कि पिता जो है अपने संपत्ति को बेच सकता है, कौन सा ग्राउंड में, ये सिक्स ग्राउंड बताए जहां पर आप सो बेच सकता है, जहां पर बेच सकता है, क्यों, शादी के लिए, किसी अपने पुत्र को शादी कराने के लिए, किसी मेंटेनेंस के लिए, ऐसा कोई केस चल रहा है, तो इस तरह का जो ग्राउंड में छह बताया तो बेच सकता है। पिता जो, पिता अगर कोई संपत्ति को बेचता है तो पुत्र है या कोई पार्टी होता है उसको केस में चैलेंज नहीं कर सकता बिफोर द कोर्ट। कौन बोला, सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया। और पिता जो, पिता का राइट्स जो है दिया गया है क्या, हिंदू लॉ में दिया गया है आर्टिकल 254 में, पिता जो है संपत्ति को बेच सकता है, ठीक है। कब कब बेच सकता है, मैं आप सबको बता दिया। तो बेसिकली फाइनली कंक्लूजन ये आता है कि अगर ये सवाल उठता है, ये सवाल जो इस केस में उठा कि पिता जो है क्या संपत्ति को बेच सकता है बिना पूछे अपने बच्चे का, अपने चाइल्ड का, तो इसका जवाब है जी हाँ, वो बेच सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है, ये सिक्स ग्राउंड जो है उसके आधार पे बेच सकता है। तो ये रहा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, मैं आप सबको बताया इजी लैंग्वेज में, आसान में, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नए जजमेंट के बारे में, नए कानूनी कानून के बारे में बताते रहूंगा, ओके। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, हमसे प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही नहीं मत भूलिएगा। अगर आप सबको हमारा जो भी हम वीडियो बनाते हैं जजमेंट वगैरह पसंद आता है, मेरा वीडियो का कंटेंट समझ में आता है आप सबको, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ताकि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको अपडेट मिलते रहेगा और आप सबसे पहले आप जानोगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कानूनों के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ पर आप सबको देखने को मिलता है। तो चलिए डियर माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से लेते हैं विदा, धन्यवाद आप सबों का बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।